हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का 10वें सेशन में गीता स्टडी चैलेंज के। तो हमने अभी तक भगवद गीता काफी कंप्लीट कर लिया है, दूसरा अध्याय चल रहा है। आप कहेंगे काफी कितना हो गया, पर फिर भी धीरे धीरे हम श्लोकों को पढ़ भी रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जैसे कि यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है, ओवरऑल इसका समरी मिल रहा है कि पर्टिकुलर जो श्लोक है या भगवान कुछ सेक्शन में क्या बता रहे हैं और क्या क्या हमें टीचिंग्स मिल रही है भगवदगीता से, और इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर आप भगवदगीता पढ़ने के लिए एक छोटा सा थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप हो रहा होगा, आई होप सो। और इसके साथ साथ हम क्विज भी कर रहे हैं हर संडे, और इस क्विज में आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि क्या आपने कितना समझा, क्या चीज किस तरह से जो सेशन के थ्रू सीख रहे। और कभी भी आपको इन फ्यूचर कोई अगर भगवदगीता में क्या लिखा है अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि भगवदगीता है क्या। तो इसीलिए हम ये एक ओवरऑल ओवरव्यू ले रहे हैं पहले भगवदगीता का, और डिटेल जो स्टडी है वो हम ऑनलाइन करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर उसके लिए हम फिर भी करेंगे कभी प्रयास। पर ये एक ओवरव्यू हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं और इस सभी में आप लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा है, कंटिन्यू कीजिए। बीच में अगर हम छोड़ते हैं तो फिर वापस नेक्स्ट टाइम जुड़ने से हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम फिर नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे भी नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। पर प्रयास कीजिए कि आप लोग कंटिन्यू आते रहें। और आज का जो टॉपिक है, हम दूसरे अध्याय का 30 श्लोक हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें भगवान आत्मा के विज्ञान के बारे में बताए। 31वें श्लोक से हम 39वें श्लोक तक लेंगे, अर्थात 31 से लेके 39। तो ये आज सिर्फ 9 श्लोक लेंगे, और इस 9 श्लोक में भगवान किस टॉपिक पे बता रहे हैं, भगवान अर्जुन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अपना कर्तव्य करो। सो परफॉर्म योर ड्यूटी एट एनी कॉस्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है कि अपने कर्तव्य का पालन हमें किसी भी कीमत पे करना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कैसे हमारे जीवन में कई बार बाधाएं आएगी। There may be many distractions, there may be many obstacles, but still we have to go on. हम लोगों को कंटिन्यू चलते रहना है और अपना ड्यूटी किसी भी कीमत पे करना है, चाहे हमें वो सही लगे गलत लगे, बट वो if that is prescribed duty, वो हमारे लिए वो जो कर्तव्य बनाया गया है। फिलहाल यहाँ पर अर्जुन को भगवान स्वयं बता रहे हैं तुम्हारा ये कर्तव्य है। हमारे किस्म हो सकता है हम गलत सेलेक्ट भी कर लें, लेकिन अगर हमारे जो गाइड है, जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, अगर वो हमें कहते हैं पर किसी भी प्रकार की अगर कठिनाई हो, फिर भी हमें उनकी जो बात है वो मानकर अपने कर्तव्य को पूरा करना है। तो ये आज हम सीखेंगे अर्जुन और भगवान कृष्ण के कन्वर्सेशन से। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गीता स्टडी चैलेंज के सेशन 10 में, और मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग से। भगवद गीता सेशन 10 चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। ये पूरा अध्याय समरी फॉर्मेट में चल रहा है, और समरी फॉर्मेट में टॉपिक जो है वो परफॉर्म योर ड्यूटी एट एनी कॉस्ट आज हम ले रहे हैं 31-39 वर्स फ्रॉम सेकंड चैप्टर। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण के साथ विद एन ऑस्पिशियस प्रेयर्स। आप हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं पीछे से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Based on the teachings of His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Founder Acharya of His International Society for Krishna Consciousness. दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। अभी तक क्या हो चुका है? अभी तक डिस्कस हुआ है कि अर्जुन के कुछ प्रश्न थे, आपको बताया गया था पांच कारण थे, और उसके बाद फिर इन पांच कारणों के बाद भगवान अब एक एक प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो ये समराइज स्टडी में हम इसका एक समरी में आंसर मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर भगवान पूरे रूप से फुल फॉर्मेट में भी बताएंगे। तो सबसे पहला जो रीजन था वो था कंपैशन। अर्जुन का सबसे पहला जो रीजन था वो कंपैशन था। कंपैशन को भगवान अभी दूर कर रहे हैं, क्या बता के? आत्मा के विज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं कि आप भौतिक जो शरीर है इसके लिए आप कंपैशन होने की आवश्यकता नहीं। ये जो कंपैशन है ये जस्ट मटेरियल कंपैशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप शरीर नहीं, आप कौन है? आत्मा है। तो जब आप शरीर नहीं आप आत्मा है, तो आप कंपैशन किस चीज के लिए करना चाहिए? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? भगवान ने पहले 20 श्लोकों के साथ इसे एक समराइज वे में, छोटे से फॉर्मेट में उसे समझा दिया। अब भगवान बताने जा रहे हैं दूसरा जो अर्जुन का एक कारण था, वो कारण था कि मैं कैसे एंजॉय करूंगा, सुख कैसे भोगूंगा। राज्य सिंहासन प्राप्त हो जाएगा लेकिन मेरे परिवार के नहीं रहेंगे कोई, तो मैं उनके साथ सुख कैसे भोगूंगा। तो भगवान यहाँ पर इस जो सेक्शन में उत्तर देंगे कि कैसे भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने कर्तव्य को करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे आप अपने ये जो कर्तव्य पालन है ये हम अपने सुख प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। अब आप ही देखिए, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, सुबह एग्जाम के समय में जल्दी उठता है, तैयारी करता है, उसे कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। उस कर्तव्य के पालन में उसे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, पर अंततः फिर जब उसका एग्जाम आता है, उसे रिजल्ट मिलता है, तो वहां पर एक खुशी का माहौल रहता है कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। उसी प्रकार से ये कर्तव्य के पालन करने समय में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जहां पर कर्तव्य पालन करते समय हमें तकलीफ होती है, सुख नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता। जैसे गर्मी के समय में किचन में कुकिंग करना कैसा लगता है? गर्मी में दोपहर के समय बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी कर्तव्य पालन करना पड़ता है, क्योंकि जब बाद में फिर सभी मिलकर प्रसाद भोजन लेते हैं, अगर भगवान को ऑफर करें तो अच्छी बात है, तब वो प्रसाद बन जाएगा। अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तब वहां पर अच्छा लगता है कि हाँ, पर वो मेहनत जब कर रहे थे उस समय कर्तव्य पालन के समय में कष्ट तो बहुत मिलता है। भगवान कहते हैं कैसी भी परिस्थिति आए, बट परफॉर्म योर ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य है वो हमें करते रहना चाहिए। तो ये आज की स्थिति में बहुत ज्यादा ये लागू होता है, आज की परिस्थिति में, जैसा कि कोरोना काल में स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए वहां पर उनको अपने घर में पढ़ाई करना पड़ता है, वो कॉलेज नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे। जो जॉब्स करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग एट द होम, वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठकर काम कर रहे हैं। तो जब घर से बैठकर काम करते हैं, घर से बैठकर स्कूल की पढ़ाई करते हैं या कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, तो वो पोटेंशियल नहीं आ पाता है, जो अंदर से एक उत्साह होता है वो नहीं आ पाता कि कैसे करें हम, वो पैशनेट फीलिंग नहीं आती। तो फिर भी भगवान का लेकिन ये कहा गया है कि भगवान ने कहा है कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को हमें करते रहना चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब जो कर्तव्य हमारे ऊपर, हमारे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो कर्तव्य बनता है। जैसे एक विद्यार्थी का कर्तव्य है विद्या अर्जन करना, एक कर्मचारी का या नौकरी करने वाले का उसका कर्तव्य है काम पे जाना, नौकरी करना, काम करना, पैसे कमाना। एक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि घर का, घर में जो लोग हैं उन लोग का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उनके सुख दुख के लिए, उनके सुख के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करना। लेकिन ये एक प्रकार की ड्यूटी है जो कि हम भौतिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं, पर इससे परे एक और कर्तव्य है जो है कि आध्यात्मिक कर्तव्य, और वो है भगवान से अपना संबंध
पुनर्स्थापित करना जो कि अभी टूट गया है। इसीलिए भगवान ने आत्मा का थ्योरी दिया ताकि अभी अर्जुन को जब कर्तव्य के बारे में बताएं तो अर्जुन न सिर्फ अपने भौतिक कर्तव्यों के बारे में सोचे बल्कि वो अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के बारे में भी सोचे। और दोनों ही रूप से अर्जुन के लिए जो कर्तव्य था वो है भगवान की बातों को मानना। इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन भगवान का परम शिष्य था, परम भक्त था, परम मित्र था, लेकिन फिर भी भगवान चाहते थे कि अर्जुन खुद से डिसीजन ले। भगवान चाहते तो अर्जुन को वो इंस्ट्रक्ट कर सकते थे, थोप सकते थे कि चलो करो, पर भगवान ऐसा नहीं चाहते थे कि बाद में इतिहास अर्जुन को बुरा भला कहे या उनका अपमान करे कि देखो अर्जुन कैसा कायर था, इच्छा नहीं थी उसकी लड़ने की। पर चूंकि भगवान वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं, और वैसे भगवान किसी के भी केस में हस्तक्षेप नहीं करते। वो देखते हैं इतने सारे जीवात्मा हैं कलयुग में भटक गए हैं और इस संसार में दुख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान वहां पर हस्तक्षेप करके जबरदस्ती उनको अपने पास नहीं लाते, भगवान उनको ज्ञान देते हैं। भगवान इन जो जीवात्माओं को या हम जैसे लोग हैं कलयुग में तो हम लोग के पास ग्रंथ भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, सब कुछ अपने परिकरों को भेजते हैं, प्रसाद भेजते हैं, अपनी लीलाओं का वर्णन कराते हैं, और फिर भगवान हमें चांस देते हैं कि ठीक है अब तुम चूज करो सब कुछ जानने के बाद। इसी प्रकार से अर्जुन को भी ये चॉइस दिया गया, पर उससे पहले अभी भगवान यहाँ पर उसे समझा रहे हैं कि अपना जो कर्तव्य है किसी भी स्थिति में कैसे करना है। तो अभी हम पहला जो श्लोक है वो हम देखेंगे, फर्स्ट वर्स है, स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पि तुहर तुमर्हसि धर्म्यादधि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारे लिए एक विशिष्ट धर्म हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चार वर्ण और चार आश्रमों के अपने अपने कर्तव्य होते हैं, चार वर्ण हैं। ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था पहले, जो धर्म हम बात जानते हैं पुराने सभ्यता में प्राचीन युगों में वह धर्म था सनातन धर्म, और यह सनातन धर्म स्पेसिफिक रूप में जो था वो था वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम का क्या अर्थ होता है, वर्ण धन आश्रम, इसे वर्णाश्रम कहा गया है। चार वर्ण होते हैं और चार आश्रम होते हैं। चार वर्णों के नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, चार वर्ण हैं, सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। ये जो क्लास, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किसी जन्म के आधार पर नहीं था। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये जो विभाजन किया गया है वर्ण और आश्रम का, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये जो वर्णों का चार विभाजन है ये भगवान ने जन्म के आधार पर नहीं किया है, भगवान ने खुद बनाया ये चार वर्ण। पर भगवान कहते हैं मैं गुण एवं कर्म के आधार पर विभाजन करता हूं, अर्थात अगर कोई शूद्र के घर में जन्म ले तो इससे वो शूद्र नहीं होता, उसके अगर गुण एवं कर्म शूद्र के समान है तब वो शूद्र कहलाएगा। ये थी प्राचीन सभ्यता, लेकिन आजकल इसको किसी और रूप में देकर दलित वर्ग, शूद्र वर्ग, अलग अलग जाति, उपजाति, ये सब बनाकर अभी लोगों में फूट डाल दी गई है, लोगों में झगड़ा बना दिया गया, और ये अभी धर्म के नाम पर कुछ और ही हो रहा है। वास्तव में मैं आज का जो टॉपिक था इसका नाम मैं देना चाहता था कि धर्म का मर्म। धर्म के बारे में लोग समझते नहीं है, इसका जो वास्तविक मर्म है ये समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम का इतना जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इसको सही ज्ञान नहीं होने के कारण लोग गलत रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और इसका लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। दूसरे लोग उठाते हैं अर्थात जैसे दूसरे धर्म के लोग, सो कॉल्ड दूसरे धर्म, जबकि वो भी धर्म नहीं है, तो वो लोग फायदा उठाते हैं। तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के घर में जन्म लेने वाला डॉक्टर नहीं बन जाता,
जिस प्रकार एक इंजीनियर के घर में जन्म लेने वाला इंजीनियर नहीं बनता, उसी प्रकार से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता था। ये सिर्फ गुण एवं कर्म के आधार पर ही इसका विभाजन होना था। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। तो क्षत्रिय का क्या धर्म था? क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। क्षत्रियों का जो धर्म होता था वो था धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना, ये क्षत्रियों का धर्म होता था। ब्राह्मण का धर्म क्या होता था? ब्राह्मण का धर्म शास्त्र पढ़ना और दूसरों को शास्त्र पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, दान देना, इस प्रकार से ब्राह्मणों के कुछ कर्तव्य थे। वैश्य का धर्म क्या था? वैश्य का धर्म था खेती करना, गोपालन करना एवं वाणिज्य अर्थात व्यापार। और चौथा जो शूद्र था उनका धर्म ये था कि उपर्युक्त जो तीन और वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा करना। तो किसी भी रूप में ये चारों एक दूसरे से कम नहीं थे या ज्यादा नहीं थे, पर फिर भी समाज में एक व्यवस्था होने के लिए, जैसे आज भी व्यवस्था होती है टीचर क्लास, तो उसके बाद क्षत्रिय मतलब आर्मी क्लास, उसके बाद बिजनेस क्लास और शूद्र मतलब जॉब वाले जो नौकरी करते हैं। तो क्लासेस तो आज भी है, क्लासिफिकेशन आज भी है, तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। सो इसीलिए भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम्हारा धर्म है। सो इन द बैटल फील्ड अ किंग और क्षत्रिय व्हाइल फाइटिंग अनदर किंग एनवियस ऑफ हिम इज एलिजिबल फॉर अचीविंग द हेवनली प्लैनेट्स आफ्टर डेथ एज द ब्राह्मणस आल्सो अटेंड द हेवनली प्लैनेट्स बाय सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स इन द सैक्रिफिशियल फायर। तो युद्ध के मैदान में भगवान यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जब कोई क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है, अगर वो धर्म के लिए युद्ध कर रहा है या किसी भी साइड में है, पर अगर एक धर्म युद्ध में क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसे। तो ये तात्पर्य में बताया गया है क्योंकि ऐसा शास्त्रों में मत है कि जो अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करे उसको स्वर्ग मिलता है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों के अपने अपने जो धर्म थे, अगर इन धर्मों को पालन करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त करे तो स्वर्ग जाएंगे। अर्थात शूद्र अगर सेवा करते करते प्राण त्याग दे उसका जीवन चला जाए, वैश्य अगर खेती बाड़ी करते हुए गोपालन करते हुए व्यापार करते हुए अगर वो शरीर त्यागे तो वो स्वर्ग जाएगा, क्षत्रिय अगर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करे तो जाएगा, ब्राह्मण अगर शिक्षा दीक्षा देते हुए यज्ञ करते हुए शास्त्र पढ़ते हुए अगर ऐसा करते हुए वो अपना शरीर त्याग करें तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। तो ये कितना आसान था पहले के युगों में स्वर्ग की प्राप्ति, लेकिन आजकल हम लोग अपने छोटे ओछे इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम अपने इतने बड़े बड़े जो धर्म है इन सभी का हम त्याग कर देते हैं। और फिर ये तो हम सामान्य धर्म की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने आध्यात्मिक धर्म के बारे में, आध्यात्मिक कर्तव्यों के बारे में तो बात ही नहीं की। ये तो सामान्य धर्म है जिसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब ऑक्यूपेशन, हमारी जो पेशा है, हमारे जो फिलहाल जो पद है या पोस्ट है, जो काम हम करते हैं, तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। जैसे अगर मेरा ऑक्यूपेशन अभी स्टूडेंट का है, मैं अगर पढ़ाई करता हूँ तो मेरा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या होगा? स्टडी करना। मैं आर्मी में हूँ तो उस समय पर मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो उस समय पर मेरा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? उस समय पर दुश्मनों से रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना, और इसके लिए मुझे युद्ध करना भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से अगर मैं टीचर हूं तो मेरा ऑक्यूपेशन क्या, टीचर, तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या हुआ, पढ़ाना। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं इनके ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज ये सब है। लेकिन एक दूसरे प्रकार की जो ड्यूटी होती है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो है वो समय समय पर बदलती रहती है। एक समय पर मैं जब छोटा था तो मेरी जो ऑक्यूपेशन थी वो कुछ और थी, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी कुछ और थी। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब उसे बोलना भी नहीं आता, जब उसे कुछ समझ नहीं रहती है, तब वो ऐसे नंगा ही पड़ा रहता है बेड पे, तो उस समय पे उसके लिए ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या रहेगा, उसका उसका काम क्या रहता है? उसका काम बस रोना धोना,
बिस्तर पे पेशाब करना, खाना दूध पीना, ये उसका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। थोड़ा बड़े होने के बाद जब स्कूल जाता है तो वहां पे पढ़ाई करना उसका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हो जाता है। थोड़ा और बड़े होने के बाद कॉलेज जाता है जहाँ पे वो कॉलेज की पढ़ाई करता है, ये उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। और बड़े होने के बाद जब वो जॉब करता है तो पैसे कमाना, ये उसके लिए ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हो जाती है। उसके बाद फिर जब वो विवाह करता है, मैरिज करने बाद जब वो फैमिली लाइफ में जाता है तब उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी होती है अपने परिवार वालों का पालन करना। जब वो और बड़ा हो जाता है तब धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है ये हर समय समय पे क्षण क्षण पे बदलती रहती है। थोड़े थोड़े दिनों में हम क्लास एट्थ में थे तो एट्थ का, नाइन्थ में थे तो नाइन्थ का, टेंथ में थे तो टेंथ का, तो अलग अलग हम चीजें पढ़ते थे और हमारी ड्यूटी भी वैसे चेंज होती जाती थी। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, अर्थात हमारा जो वास्तविक जो कर्तव्य है। तो हम कौन है, हमने पिछली बार पिछले सेशन में देखा, हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। अब आत्मा तो शाश्वत रहती है, आत्मा बदलती नहीं है, शरीर बदलता रहता है, इसीलिए शरीर से संबंधित जो ड्यूटी है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, वो बदलता है। पर आत्मा चूंकि नहीं बदलती और आत्मा का एक ही संबंध है भगवान के साथ, आत्मा भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है, आत्मा भगवान की, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा को चाहिए कि परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, तो एक ही कर्तव्य है, एकमात्र सेवा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में चेंज बट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी विल रिमेन द सेम। हम यहाँ पर श्लोक में क्या देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्म नहीं है। तो क्योंकि भगवान वहां पर बोल रहे हैं इसीलिए अर्जुन के लिए ये न सिर्फ ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। क्योंकि अर्जुन एज ए लिविंग एंटिटी आत्मा, भगवान कृष्ण एज परमात्मा, परमात्मा इज गिविंग सम गाइडेंस टू आत्मा, तो आत्मा को परमात्मा से डायरेक्ट आदेश मिल रहा है, तो परमात्मा की सेवा करना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी हो रहा है, साथ ही साथ क्षत्रिय धर्म का पालन भी हो रहा है, तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी है। तो दोनों धर्म वहां पर पालन हो रहे हैं, इसीलिए वो युद्ध कर सकता है, अर्जुन युद्ध कर सकता है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में ये नहीं कि हमको भी जाके युद्ध करना है, कहीं लड़ना है। अगर हमारा धर्म है तो ठीक है, हमको करना है, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो हमारे पास दो धर्म है, जैसे मान लीजिए अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, वैसे मैं तो भी मंदिर में, अगर मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, एक उदाहरण लेते हैं, तो उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है कंपनी में जॉब अच्छे से करना, वहां पैसे प्रमोशन लेना जो भी करना, और अपने परिवार को पालन पोषण करना, ये उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, अपने शरीर का ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है भगवान की भक्ति करना, भगवत गीता पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना एवं भगवान की विभिन्न प्रकार से सेवा करना, ये दोनों चीजें आवश्यक है। हम सिर्फ एक ड्यूटी की बात नहीं करें। सो द टॉपिक परफॉर्म योर ड्यूटी एट एनी कॉस्ट, दैट मीन्स ये हम दोनों प्रकार की ड्यूटी की बात करें, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक में चलते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक था इसलिए हमने उस पर ज्यादा समय दिया। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। भगवान कृष्ण भी अभी बताएंगे क्षत्रियों के बारे में कि जो क्षत्रिय युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं उनके साथ क्या होता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं संकोच मत करो। क्यों संकोच मत करो? क्योंकि ये तुम्हारे लिए वही मौका है। क्षत्रिय सुखी हो जाते हैं जब उन्हें युद्ध के, ऐसे धर्म युद्ध के अवसर मिलते हैं, क्योंकि इससे वो स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब क्या है, जीतेंगे तो स्वर्ग, तो सिंहासन, राज्य सिंहासन उसका भोगेंगे, राज्य सिंहासन को प्राप्त करेंगे, वहां सुख भोगेंगे, और अगर हार जाएंगे, मर जाएंगे, तो स्वर्ग जाएंगे। दोनों जगह विन विन सिचुएशन। द क्षत्रियस ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज and for that reason he has to apply violence in suitable cases for law and order, therefore he has to conquer the soldiers of inimical kings and thus with religious principles he should rule over the world. So, kshatriyo ka ye duty hota hai, unka ye kartavya hota hai. Kaun sa kartavya hai ye, abhi aap bataiye kaun sa kartavya hai, occupational ya constitutional? Type kijiye jaldi se. Kshatriyo ka duty kya hai, apne jo praja hai uska की रक्षा करना सभी प्रकार के कठिनाइयों से। तो ये जो ड्यूटी है ये ऑक्यूपेशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया।
ऑक्यूपेशन वाइज मिल रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल? यस करेक्ट है ना। सो ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब ये अभी वो क्षत्रिय है इसीलिए उसका ये ऑक्यूपेशन है कि अपने जो प्रजा है इनकी सभी प्रकार से सहायता करना और इनकी रक्षा करना। और इसी कारण से कभी कभी उन्हें युद्ध के लिए भी जाना पड़ता है, हिंसा का मार्ग लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी जी ने जरूर कहा था अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जब युद्ध के अवसर आते थे तो युद्ध तो करना आवश्यक हो जाता था। तो मैं महात्मा गांधी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब उन्होंने ही भारत के जो सैनिक थे उनको ब्रिटिशर्स के साथ मिलके युद्ध करने के लिए उनका उत्साहित किया था ताकि आप जाइए और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हेल्प कीजिए। तो युद्ध के मौके पे युद्ध करना आवश्यक हो जाता है, यही क्षत्रिय का धर्म है। हम ऐसा नहीं कहते कि भक्त कभी भी पूर्ण रूप से अहिंसा को संपूर्ण धर्म नहीं मानता। भक्त के अनुसार धर्म क्या है, इसमें आपको पहले श्लोक दूसरे श्लोक अभी आप ध्यान से समझते जाइए कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध करो, तो अर्जुन के लिए वो युद्ध करना धर्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगर भगवान जो कहते हैं वही धर्म होता है। भक्त के लिए ये नहीं कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे नशा नहीं करना है, ये जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन अगर भगवान कहेंगे तो सब करना है। हालांकि भगवान ऐसा नहीं कहेंगे, वो अलग बात है, भगवान ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि भगवान अगर कुछ बात कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है, उसका ही पालन करना धर्म है। इसीलिए कुछ लोग भले कहें कि महाभारत युद्ध बेकार में हुआ, इतने लोगों की हानि हुई, प्राण इतने लोगों की जीवन की हानि हुई, इतने लोग मरे, इतने लोग विधवा हो गए, बहुत तकलीफ हुई, ऐसा पाप हुआ, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान कृष्ण का आदेश था अर्जुन को, इसीलिए अर्जुन ने किया। अर्जुन तो वैसे नहीं चाहता था, तो अर्जुन तो सो कॉल्ड बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन भगवान कृष्ण की बातों को मानने के कारण वो परम भक्त हुआ और उसे यश प्राप्त हुआ। अगर वो मना कर देता तो क्या उसे यश मिलता? हम पढ़ेंगे आगे कैसे भगवान उनसे उसे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या क्या होगा। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अपने प्रजा की रक्षा के लिए कभी कभी क्षत्रियों को युद्ध में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और फिर उनको ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के जो राजा हैं उन लोगों का दमन भी करना पड़ता है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। अथ चेत्वमिम धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च इत्वा पापम वाप्स्यसि। तो भगवान अब आगे कहते हैं अर्जुन, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा की अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। वो अपेक्षा की जगह उपेक्षा होगा वहां पर। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे तो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण, अर्थात उसको अपने कर्तव्य को नहीं पालन करने के कारण, पहला तो तुम्हें पाप लगेगा और दूसरा तुम अपने यश भी खोदोगे। तो जिस चीज के लिए अर्जुन अपने पहले जो अध्याय में अर्जुन ने कुछ रीजन दिए थे उसमें एक रीजन था पाप। तो जो रीजन अर्जुन ने दिए थे वही रीजन में भगवान भी दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य नहीं करने से भी पाप लगता है। तुम क्या सोचते हो सिर्फ कर्तव्य करने से पाप लगेगा? तुमको लगता है युद्ध करने से पाप लगेगा, लेकिन युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ये कैसा सिचुएशन है? अरे हम युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा नहीं लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। अर्जुन कह रहा है युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, भाई इतने लोग को मारना पड़ेगा, लेकिन भगवान कहते हैं युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये कर्तव्य का युद्ध है, इस समय कर्तव्य करना है, लेकिन अगर युद्ध नहीं किए तो पाप लगेगा क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, तो सोच लो क्या करना है। तो अर्जुन जिस चीज से डर रहा है भगवान उसी चीज को लेकर डरा रहे हैं ना। सो द फाइनल जजमेंट ऑफ द लॉर्ड वॉज फॉर अर्जुना टू डाई इन द बैटल एंड नॉट विथड्रॉ। भगवान कहते हैं मर जाओ लेकिन युद्ध से पीछे मत भागो, युद्ध तो करना है, कर्तव्य तो पालन करना है, कर्तव्य पालन करते हुए अगर जीवन भी दान देना पड़े तो दे देना चाहिए। तो ये भगवान बता रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है परफॉर्म योर ड्यूटी एट एनी कॉस्ट,
एनी कॉस्ट मतलब फाइनल कॉस्ट क्या है, अपने जीवन दे के भी यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी। हमारे जीवन में इतना बड़ा कोई ड्यूटी नहीं है, हम लोग को इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, पर हम अपने जीवन में छोटे छोटे द्वंद से ही फंस जाते हैं, छोटे छोटे तकलीफ आते हैं उसमें ही फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, जैसे हमारे जीवन में कुछ मान लीजिए अभी एग्जाम्स, परसों एग्जाम है, अभी मेरे दूसरे कॉलेज का कोई फ्रेंड आया या कोई दूसरे स्कूल का फ्रेंड आया, वो कहेगा कि भाई थोड़ा मूवी देख के आते हैं, उसका एग्जाम नहीं है हमारा एग्जाम है, लेकिन दोस्त है, पक्का दोस्त है, हम उसे ना भी नहीं बोल सकते, मम्मी पापा से झूठ बोल के भी चले जाएंगे पर उसे ना नहीं कहेंगे, पर हमारा कर्तव्य पालन अभी तो हमारा एग्जाम्स, हम उसको भी बोल सकते हैं एग्जाम के बाद चले जाएंगे पेरेंट्स से पूछ के। तो ये जो हमारे बीच में छोटी छोटी, मैंने एक जस्ट एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लिया, आप अपने लाइफ में और भी चीजें देख सकते हैं कि जब हम कर्तव्य पालन की बात आती है तो हम वहां पर अब इसको ना बोलना कितना कठिन कार्य है, क्योंकि एक तो हमारे मन में भी इच्छा रहती कि नई नई मूवी आई है या आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट मैच ना देखें कैसे हो सकता है, लेकिन अभी एग्जाम्स भी है, पर ये तो अच्छा है चलो गवर्नमेंट ने एग्जाम भी कैंसिल कर दिया, 10th बोर्ड 12th बोर्ड जो भी है स्कूल के एग्जाम्स, भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। पर एग्जाम्स के टाइम में हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है और उसमें पे हमारे सेंसेस ज्यादा ही अनकंट्रोल होते हैं, उस समय हमें मूवी देखना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, ये सब चीज हमें ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है और इसी कारण से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारा एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ दूसरी इच्छाएं, पर फिर भी हम अपने कर्तव्य को कभी कभी साइड कर देते हैं और दूसरी इच्छाओं में चले जाते हैं, फिर आकर हम उस कर्तव्य को करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, वो कर्तव्य, वो जो कर्म है, वो जो हमारी जो ड्यूटी है, वो भी अधूरी होती है और हमने इसको भी अपनी जो इच्छा है वो भी पूर्ति कर ली, मन को और ज्यादा अनकंट्रोल करा बना दिया, मन की बात मान के मन को और ज्यादा ताकत दे दिया। तो कर्तव्य पालन के लिए कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं। भगवान ने ऐसे ही दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में ये नहीं कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य स्थान तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि तितिक्षव अर्थात सहनशीलता, सहन करना सीखो, इसको सुख और दुख को, सुख को कैसे सहेंगे, सुख में तो सहने की कोई चीज नहीं, सुख भी सहना है, ज्यादा खुश भी मत हो जाओ, और दुख भी सहना है ये, क्योंकि ये दोनों सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते हैं। उसी प्रकार से मान और अपमान भी अपने जीवन में हमें सहना है। तो भगवान बता रहे हैं कि कोई भी विषमता आती है, द्वंद आता है, रात दिन, सर्दी गर्मी, उसके बाद दिन रात, सुख दुख, मान अपमान, ये जितने जो द्वंद है इन्हें हमें सहना है, क्योंकि ये द्वंद से ही भरा हुआ हमारा दुनिया है, ये संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, पर अपना कर्तव्य आपको पूरा करना ही है, नहीं तो पाप लगेगा और यश भी नहीं मिलेगा, तो क्या करना है सोच लो जी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अभी भगवान भी अर्जुन को डरा रहे हैं, भगवान भी अर्जुन का अभी जो रीजन है एक एक करके काट रहे हैं। तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, एक एक आप क्वेश्चन देखिए अर्जुन का और उत्तर देखिए भगवान किस तरह से दे रहे हैं। 34वां श्लोक, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणाद् तिरिच्यति तिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर। तो भगवान इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो मृत्यु है वो तो फिर भी अच्छी है, पर एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश अर्थात उसका उसके बारे में इनफेमी जिसे बोलते हैं, है ना, कि बुरा भला समाज में फैल गया, उसके बारे में गलत प्रचार हो गया, तो उसके लिए वो मृत्यु से भी बड़ा चीज है। तो एक बार के लिए मृत्यु अच्छी है, एक बार तो मरेगा, लेकिन जिसको जिसका अपयश हो गया वो बार बार मरेगा। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कल को किसी ने कुछ घटना आ गई, न्यूज़पेपर में कुछ छप गया आपके बारे में, आप एक अच्छे खासे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आपके बारे में कुछ गलत सलत न्यूज़पेपर वाले छाप दिए, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन न्यूज़पेपर में गलती से या क्यों कहें कि किसी ने अपनी शत्रुता निकालने के लिए आपके खिलाफ कुछ डाल दिया,
अब ये न्यूज़पेपर तो सबके घर में जाएगा, अपीयर्स फैल चुका है, आपने किया कुछ नहीं लेकिन लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि आप ऐसे व्यक्ति, इससे अच्छा तो मृत्यु है, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपीयर्स से बड़ा मृत्यु है। भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि लोग सदैव तुम्हारे अपीयर्स का वर्णन करेंगे भविष्य में, जब भी ये बात आएगा, ये देखो अर्जुन कायर अर्जुन भाग गया, युद्ध नहीं किया, कर्तव्य से भाग गया, उस समय पे सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में वर्णाश्रम धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक था, अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो अपने वर्ण के अनुसार धर्म नहीं पालन करता था उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण कुल का ही क्यों ना हो। ब्राह्मण कुल में जन्मा अजामिल, अजामिल जब शूद्र से भी गया गुजरा कार्य करने लगा, शूद्र से भी अर्थात शूद्रों के लिए ये था कि वो दूसरों की सेवा करेंगे, लेकिन अजामिल जब वेश्यावृत्ति में लग गया, अजामिल जब चोरी डकैती करने लगा, ब्राह्मण पुत्र था फिर भी इस प्रकार के जब वो कार्य करने लगा तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया गया। तो ये बात है, ये व्यवस्था थी, आजकल की व्यवस्था नहीं कि ब्राह्मण है तो हम कुछ भी करेंगे, क्षत्रिय तो कुछ भी करेंगे और शूद्र है तो उनको हमेशा उनके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। ये समाज में ये विभाजन इस प्रकार से नहीं था जो हम आज देखते। तो मैंने आपको चार वर्णों के बारे में बताया, चार आश्रमों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चार आश्रम हैं, पहला ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 तक, वानप्रस्थ 51 से 75 और संन्यास 76 से आगे। ये जो एज वाइज जो डिफरेंस जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताया, ये कैलकुलेशन स्क्रिप्चर्स में शास्त्रों में दिया गया है कि जो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ में जाते थे माता पिता एवं गुरुजनों की आज्ञा से, गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ अर्थात पति पत्नी जंगल में जाएंगे, तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे और 75 के बाद संन्यास। तो ये जो एज वाइज है ये तो खैर शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ये जो टाइम लिमिट है ये थोड़ा बढ़ता घटता भी है। इसमें दो प्रकार से होते हैं, ब्रह्मचारी के बाद जरूरी नहीं गृहस्थ आश्रम हो, जब कुछ लोग की इच्छा रहती है तो वो गृहस्थ आश्रम में जाएं, कुछ डायरेक्ट ब्रह्मचारी से संन्यास की ओर आगे बढ़े, तो दो विभाजन है। तो यहाँ पर भी कुछ धर्म होते हैं। ब्रह्मचारी का धर्म क्या होता है? ब्रह्मचारी का धर्म होता है गुरु के आश्रम में रहना और गुरु की सेवा करना। गृहस्थ का धर्म क्या होता है? ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। गृहस्थ का धर्म होता है अपने परिवार का पालन पोषण करना। और वानप्रस्थ का क्या धर्म होता है? वानप्रस्थ का धर्म होता है कि ये पत्नी के साथ में संसार के आसक्तियों से धीरे धीरे मुक्ति पाना, छुटकारा पाना और भगवान की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाना। और संन्यास का धर्म क्या होता है? सन्यासी का धर्म होता है कि वो अपने सभी प्रकार के रिश्तों के, सभी प्रकार के आसक्तियों को त्याग कर समाज में शिक्षा देना। वो सन्यासी घूम घूम कर जाएगा, शिक्षा देगा और बदले में भिक्षा ग्रहण करेगा। ये तो हुई पुराने युगों में जो चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म की बात। हमने चार आश्रम के ऑक्यूपेशनल धर्म ड्यूटी के बाद में बात किया। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तो फिर से सबके लिए सेम हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, घर में हो, जंगल में हो, मंदिर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो। पर एक जीवात्मा का धर्म है भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी उनका अपना अपना हो सकता है। चार वर्ण चार आश्रम के बारे में हमने बात कर लिया। इसके आगे हम 35वें श्लोक में चलेंगे। भगवान ने तो पूरी तरह से अभी अर्जुन को डराने का पूरा व्यवस्था कर लिया कि देखो अर्जुन पाप भी लगेगा, अपयश भी होगा और मृत्यु से भी बेकार जिंदगी है, तो भाई मैं तो सपोर्ट नहीं करता, तुमको तो युद्ध करना चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं, भयाद्रणा द्रुपरतम पश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिए और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो महाभारत के युद्ध में एक और कौरव थे, एक और पांडव और संसार के सभी राजा इस युद्ध में शामिल हुए थे अपनी अपनी इच्छा से, कोई कौरव के साथ, कोई पांडवों के साथ। तो पांडवों के साथ जो महारथी आए थे वे पांडवों के कुशलता को देखकर, पांडवों के युद्ध कौशल को देखकर आए थे,
भगवान कृष्ण को देखकर आए थे, धर्म को देखकर आए थे। तो जो महायोद्धा, अर्जुन के नाम का भी एक डंका बजता था, अर्जुन महान धनुर्धर है, गांडीवधारी है। तो जो जो योद्धा अर्जुन के पक्ष से युद्ध लड़ने के लिए आए थे कि अर्जुन तो बहुत बलवान है, वो जब देखेंगे अर्जुन भाग गया, अरे कितना कायर है, इससे अच्छे तो हम है, हम कम से कम युद्ध में युद्ध छोड़ के तो नहीं जाते, हम मरेंगे या तो मार के जाएंगे, या तो मारेंगे या तो जीतेंगे या तो स्वयं बलिदान देंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे। ये तो अच्छी बात है, वीर गति जैसा सम्मान क्षत्रियों के लिए एक सम्मान की बात, जैसे आजकल परमवीर चक्र मिलता है या वीर चक्र, अशोक चक्र, जो भी अलग अलग चक्र होते हैं, महावीर चक्र। तो उस समय पे क्षत्रिय जो वीर गति प्राप्त करते थे सीधे स्वर्ग जाते थे, उनके लिए वो परमवीर चक्र था। तो भगवान बता रहे हैं कि जो जो महायोद्धा यहाँ पर आए हैं वो तुम्हारे कायरता के कारण तुमने युद्ध भूमि छोड़ दिया ऐसा मानेंगे और तुमको तो तुच्छ समझेंगे, जीवन भर तुमको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगा, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इज्जत को, अपने कर्तव्य के द्वारा अपने जो रेस्पेक्ट है, सम्मान है, उसको बनाए रखे। जीवन तो ऐसे भी जी सकते हैं, फैसिलिटी तो मिल जाएगी, खाने पीने के लिए मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, लेकिन रेस्पेक्ट एक बार चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन करोगे तभी रेस्पेक्ट बना रहेगा, तभी सम्मान बना रहेगा, तभी यश मिलेगा। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदनंतस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नुकिम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। भगवान कहते हैं कि तुम बड़े सुख की बात कर रहे हो कि युद्ध के बाद अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं वो दुख से बच जाऊंगा। कौन सा दुख? कि राज्य सिंहासन मैं किसके साथ बांटूंगा, सुख के साथ हम कैसे रहेंगे, जो सुख मैं, जो वैभव मुझे दूसरों को दिखाना है वो मैं किसे दिखाऊंगा। ये जो अर्जुन जिस प्रकार की बातें सोच रहा था, तो भगवान कहते हैं अब जब तुम्हें सब उपहास उड़ाएंगे, तुमको क्या लगता है तुम अगर छोड़ दोगे युद्ध तो तुमको क्या महान समझेंगे? बड़ा वैरागी है अर्जुन, युद्ध नहीं किया छोड़ दिया, बहुत शांति प्रिय है, अहिंसा दूत है, ये समझेंगे, उल्टा तुम्हारा मजाक बना के रख देंगे। भगवान चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को कि सुधर जाओ, मान जाओ, अभी समय है। अगला श्लोक, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। ये देखिए भगवान किस तरह से फोर्सफुली अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध करो। भगवान यही चाहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य पालन करो, युद्ध करो, संकल्प करके खड़े हो जाओ दृढ़ संकल्प के साथ। बचपन में मैंने एक कविता सुना था, उस कविता में ऐसा ही है, उसमें कहा गया है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण मतलब परसेप्शन, नजरिया। तो अगर हम नजरिया बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं, तो इंसान बदल सकता है। इंसान कैसे बदल सकता है? एक रत्नाकर डाकू था, उसका परसेप्शन चेंज किया नारद मुनि ने और वो वाल्मीकि बन गया। दृष्टिकोण बदला, जीवन को देखने का, संसार को देखने का, धर्म को जानने का एक जो परसेप्शन था वो बदला और वो भक्त बन गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। ये कविता थी, मैंने बचपन में पढ़ी। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों के विषाद पे दृढ़ प्रयत्न किए जाते हैं। बाधाओं की क्या विषाद, फिर रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। तो ये कविता थी जिसमें बताया गया है कि कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ। तो कुछ भी असंभव नहीं है, युद्ध जीतना बहुत आसान सी बात है, धर्म युद्ध है। हार भी जाओगे तो क्या दिक्कत है, मार भी जाओ, मरे भी जाओगे तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे, और क्या चाहिए। स्वर्ग तो यहाँ से भी बड़ा राज्य मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, और उसमें तुमको यश भी प्राप्त होगा कि वीर गति को प्राप्त होगा।
और अगर तुम जीत जाओगे तो संसार का साम्राज्य हो, तो अच्छी बात है। तो भगवान दोनों प्रकार से लाभ और हानि, यश और अपयश दोनों को संभालते हुए बताते हुए समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखो करो, इस तरह से तुम्हें करना चाहिए युद्ध, ऐसे करो। और मैं तो चाहता हूँ युद्ध करो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो, मैं नहीं चाहता कि मैं एक भगोड़े का मित्र बनूं। भगवान भले, भगवान को रणछोड़ कहा जाता है, लेकिन भगवान रणछोड़ के नाम से अपयश नहीं हुआ। भगवान का रणछोड़ के नाम से भगवान ज्यादा यशस्वी हुए, भगवान का हमने फेम यश है जो ज्यादा बड़ा। तो भगवान नहीं चाहते कि मेरा मित्र ऐसा भगोड़ा। अगला श्लोक 38वां, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोग याद कर सकते हैं। श्लोक का अर्थ देखिए, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जिस पाप के लिए अर्जुन डर रहा था, उस पाप का यहाँ पर भगवान निवारण बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख, हानि लाभ और विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। अर्थात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि फल के लिए नहीं, फल के लिए कर्म मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जो हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं भगवद्गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भगवान इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। भगवान कहते हैं युद्ध के लिए युद्ध करो, ये धर्म युद्ध हो रहा है इसके लिए युद्ध करो। ऐसा नहीं कि सुख होगा दुख होगा हानि लाभ, ये सब मत सोचो। और जब ऐसा करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब जब हम कर्म और विकर्म के बीच का रास्ता निकालेंगे, अकर्म जो कि भगवान के आदेश के अनुसार जो कर्तव्य होगा, तब हमें ना पाप लगेगा और ना पुण्य लगेगा। समझ में आ रही बात? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो होती है, हमने ऑक्यूपेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में बात की। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो होती है वो पाप और पुण्य दिलाती है। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करने से या तो हमें पुण्य मिलेगा, मतलब अच्छा कर्म होगा तो पुण्य मिलेगा, या तो कोई खराब कर्म होगा तो पाप मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो ना तो पाप दिलाती है ना पुण्य, वो हमें भगवान की भक्ति दिलाती है, भगवान का प्रेम, जो कि पुण्य और पाप के दोनों से परे होता है, अच्छे और बुरे दोनों से परे होता है, वो आध्यात्मिक होता है, दिव्य होता है। इसीलिए भगवान करें ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, यही कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में भगवान बता रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्यों है ये किसी सामान्य व्यक्ति अगर कहता भगवान कृष्ण के जगह, तब वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी होता और तब भी उसे पाप नहीं लगता, तब उसे पुण्य मिलता। अगर भगवान कृष्ण के जगह मैं या आप या कोई और होता तो अर्जुन को ऐसा कार्य करने पर उसे पुण्य मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छा कर्म कर रहा है। लेकिन चूंकि वहां भगवान कृष्ण का आदेश है, इसीलिए वहां पाप नहीं लेगा, पुण्य भी नहीं लेगा, भगवान की बात मान रहा है, भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है भगवान। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि भगवान के आने से क्या फर्क होता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान को अपने जीवन में जोड़ने से क्या होगा, यही फर्क होगा। आपका साधारण सा कार्य सेवा बन जाएगा, वर्क बिकम्स वर्शिप। जो कहते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन कृष्णा इज इन द सेंटर। नहीं तो चोर के लिए तो चोरी करना भी कर्म है, कार्य है, क्रिया है, वर्क है, तो चोरी करना वर्शिप है। So anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, nor the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. तो जिसने भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से शरण, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की है, वो इस संसार में ना समाज वालों के लिए, ना देवताओं का, ना माता पिता का, ना गुरु का, ना कोई साधु का, ना किसी रिश्तेदार का, किसी का भी, ना अपने पूर्वजों का, किसी का भी ऋणी नहीं होता। ये भागवतम का श्लोक है 11वें स्कंद में, तात्पर्य में दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं 38वें श्लोक में। लेकिन ये कब होगा, जब भगवान को पूर्ण रूप से हम शरण, भगवान की शरण लेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान के भक्त बनेंगे, तब वो जो कर्म होगा, हम जो भी कर्म करेंगे, चाहे सांस लेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो भी कार्य होगा,
वो सभी भगवान के लिए होगा और वो सभी भक्ति कहलाएगी। तो हमारे कार्य, हम जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैं काम कर रहा हूं। ये काम में और सेवा में, डिवोशन में क्या फर्क है? काम खुद के लिए कर रहे हैं या हमसे जुड़े जो लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, और जो सेवा है भगवान की भक्ति है वो भगवान के लिए। इसीलिए उसमें ना पाप ना पुण्य, सीधे भगवान की भक्ति। आज का अंतिम श्लोक, एषां तेहि विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। यहां मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ये जो सेक्शन था अभी भगवान बताए कि मैंने तुमको सांख्य के द्वारा बताया है कि कैसे ज्ञान का, ये जो पूर्ण ज्ञान का मैंने वर्णन किया है सांख्य योग के द्वारा, एक एक अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं इनके बारे में मैंने तुमको बताया। लेकिन अभी तुम ये सुनो कि निष्काम कर्म क्या होता है। अब तक भगवान बता रहे थे कि कर्तव्य करो, लेकिन अब वो निष्काम भाव से कर्म कैसे करना है, जो अभी एक फेमस श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अब वो श्लोक आने वाला है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। भगवान क्यों ये श्लोक कहते हैं ये जानना भी जरूरी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान बोलते हैं कर्म करो, फल मत, फल की चिंता मत, अरे कर्म करो। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि भक्ति क्यों कर रहे हो आप लोग, कर्म करने के लिए भगवान बोले, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? भगवान की भक्ति करना भी तो कर्म है, ये दिव्य कर्म है। पर कुछ मूर्खों को समझ नहीं आता, वो उल्टे कहते हैं कि अरे आप लोग को कर्म करना चाहिए, ये क्या आप लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना, सेवा करना, भक्ति करना तो सबसे बड़ा कर्म है। तो ये भगवान अभी यही बता रहे कि अब वो निष्काम कर्म के बारे में बताएंगे, जिसको करने से या जिसके ज्ञान से अगर हम कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट होगा कर्म के बंधन से मुक्त होने से? इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो अगले सेशन में हम एक सस्पेंस ओपन करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी होता है। वैसे हमने तो भक्ति के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन कर्मयोग भी ऐसा कैसे हो सकता है क्या? निष्काम कर्मयोग, जिसके द्वारा हम और कोई इस संसार में वापस ना आना पड़े, और अभी जो आप स्लाइड में देख रहे हैं भगवान का जो आध्यात्मिक धाम, ऐसे जगह हम जा सके, बोलो वृंदावन, क्या ऐसे जगह जाना संभव है जहाँ देखो भगवान को ना स्कूल जाना पड़ता है, ना भगवान कोई काम पे जाते हैं, भगवान अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाते रहते, खेलते रहते, कितना अच्छा लाइफ, भगवान का धाम, आनंद का धाम। और यहाँ पे कोरोना से ही लोग छटपटा रहे हैं अभी भी। तो ये आपका विचार है, आपका डिसीजन है कि आपको किस प्रकार के कार्य करने हैं। फिलहाल अगर आपको आज के सेशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ऋषभ का प्रश्न है, एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में डिफरेंस बता सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हम जब ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, दो प्रकार के कर्तव्य हैं। एक हमने पहले चर्चा किया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन चूंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं इस संसार में, इसीलिए शरीर से संबंधित हमारे बहुत सारे, या एक तो संबंध भी हैं शरीर से संबंधित, और शरीर के अपने कुछ कर्तव्य भी हैं, शरीर के अपने कर्म है, अर्थात शरीर का पालन पोषण करना, शरीर से संबंधित जो लोग हैं, शरीर से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में आती है। तो ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है कि संसार में जब तक है ये शरीर को हम जब तक अपना मान के चलते हैं तब तक ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमें करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, माता पिता की सेवा करना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, जॉब करना, परिवार का पालन पोषण करना, अपने खुद के शरीर की देखभाल करना, ये सब भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में आते हैं, जो कि जरूरी है। रेलवे ट्रैक में, दोनों ट्रैक में साथ में चलना जरूरी है। जब तक वो मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है, ये ज्ञान रखता है, तब तक जैसे ही उसे समझ में आ गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब उसके साथ ऑक्यूपेशनल के साथ साथ एक और ड्यूटी आ जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अर्थात जो फिक्स्ड है,
जो कभी भी अलग नहीं होता, चेंज नहीं होता। चाहे आप इस जीवन में मनुष्य रूप में हैं, अगले बार कीड़े बने, मकोड़े बने, फिर बंदर बने, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, सियार, कुछ भी बने, लेकिन चूंकि आत्मा का जो धर्म है वो फिक्स है, आत्मा का जो कर्तव्य है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी वो फिक्स है, वो क्या है? भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि आत्मा का आइडेंटिटी क्या है? वो परमात्मा का अंश है, इसीलिए भगवान की सेवा करना वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी हमारे लिए दोनों ड्यूटी जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग से कि 24 घंटे में से एक दो घंटे तो देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के लिए, अपने स्वयं के लिए, स्वयं अर्थात आत्मा के लिए। जब तक हम अपने आप को आत्मा रूप में नहीं जानते थे, तब तक अज्ञानता से हम भूल करते थे, हालांकि वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन अब चूंकि ज्ञान है, थ्योरिटिकल नॉलेज है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, कम से कम आत्मा के लिए कुछ तो समय देना चाहिए, थोड़ा तो मतलब सेंस बनता है ना। कि जो पिछली बार भी हमने बात किया कि आप भाई जो टेम्प्रेरी बैंक है, क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे या परमानेंट? तो परमानेंट में करेंगे ना, तो परमानेंट के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है ऋषभ, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में जानना है, कौन अर्णव के बारे में डाउट है, स्वर्ग और नरक क्या है? क्योंकि आत्मा एक शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है, तो स्वर्ग और नरक किसे प्राप्त होता है? क्या अगला जाना ही स्वर्ग या नरक होता है? अगला जन्म जाना ही स्वर्ग या नरक? नहीं, स्वर्ग और नरक जो होते हैं, स्वर्ग में जैसे जो पुण्य करता है, अच्छे कर्म करने के कारण एक पुण्य का बैलेंस होता है, और बुरे कर्म करने के कारण एक पाप का एक बैलेंस होता है। तो हमारे जो पुण्य और पाप का जो ये लेखा जोखा जो चल रहा है, ये हमारे जीवन में, अगले जीवन में, उसके अगले जीवन में, ये कर्मों के साथ हमें, भाग्य के साथ हमें मिलता जाता है, ये कुछ कुछ उसमें मिल जाता है। लेकिन कुछ जो ज्यादा कर्म होते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म होते हैं, जिसने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, उसका जो फल है उसको इस जीवन में डायरेक्टली नहीं देंगे, तो क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग ही स्टेटस बनाया हुआ है स्वर्ग लोक। बहुत ज्यादा पुण्य करने वाले, पुण्यात्मा जो होते हैं, उनको स्वर्ग लोक में भेजा जाता है, जहाँ पे अनेक प्रकार के भोग वृत्ति के समान है। तो व्यक्ति वहां भोग करता है, वो भोग क्षेत्र है, वहां पर व्यक्ति सिर्फ भोग करता है, वहां कर्म नहीं करता। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा पाप, बहुत ज्यादा गलत काम करने के बाद उसको फिर नरक में भेजा जाता है। नरक में भेजने का क्या उद्देश्य होता है? वहां पे उसको नेगेटिव वाइब्स दिया जाता है, या उसको बहुत तड़पाते हैं, वहां पे बहुत कष्ट देते हैं, जब बहुत ज्यादा वो दुष्ट कार्य करता है। क्योंकि ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिसका इस जीवन में उसको सजा देना इतना संभव नहीं है, कि कितना भी उसको कितने इंस्टॉलमेंट में दें, एक बार में खत्म करते हैं नरक। दूसरा एक कारण होता है, मान लीजिए कि कोई इतना खराब कार्य किया कि मनुष्य के बाद उसको एक पशु की योनि में डालनी है, मनुष्य के बाद मान लीजिए उसको सुअर बनाना है, अगला जीवन उसका बहुत खराब उसने कार्य किया, तो अभी डायरेक्टली अगर सुअर बन जाएगा, उसको ट्रेनिंग नहीं मिला, तो जो मनुष्य हलवा खाता था, राइस दाल खाता था, अभी वो सुअर के रूप में गटर का खाना कैसे खा सकता है? उसको कुछ ट्रेनिंग भी चाहिए, वो तो वहां रह भी नहीं सकता, फिर तो वो अजीब सुअर हो गया ना, ऐसा सुअर जो राइस दाल खाए। आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, किसी सुअर को गरम गरम हलवा जाके देना, और साथ में वो गंदगी भी रहेगी, तो हलवा कभी खाएगा ही नहीं, उसको लगेगा अरे ये कहाँ गंदा चीज आ गया, ये पता नहीं क्या घी का हलवा क्या लिया है, मेरा खाना कहाँ है? वो अपना खाना ढूंढेगा, कौन सा खाना जो मलमूत्र जो त्याग गया, तो सुअर वही ढूंढेगा। कैसे होता है ये? इसके लिए भी जो अत्यधिक जिसने पाप किया है उसको इस प्रकार का जन्म मिलता है। अदरवाइज थोड़े मोड़े अगर हमसे कुछ पाप हुए हैं, तो हमें उसका जो फल है वो अगले जीवन में मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाता है। इसी जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा होता है और पापों को काटा जाता है। बहुत एक्सट्रीम पाप जिसने किए हैं उसको ऐसा जन्म में डालना है, तो पहले नरक में उसको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, उसको जबरदस्ती वहां पे मलमूत्र खिलाया जाएगा, उसको सुअर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तब जाके अगर उसको सुअर बनाएंगे तो वो खुशी खुशी खाएगा अपना खाना, तब उसे हलवा नहीं चाहिए, तब उसे पूरी कचौड़ी नहीं चाहिए, तब उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप जानते हैं क्या। तो ये बात है स्वर्ग और नरक का।
निखिल का प्रश्न है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, इसमें कंफ्यूजन है, इसका क्या मतलब है? जब कंप्लीट सरेंडर हो जाता है तो कोई ड्यूटी नहीं रहती क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए तो काफी वेट करना पड़ेगा हम डिटेल में जानने के लिए, पर अभी हम शॉर्ट में निखिल से हम बता रहे हैं कि 18.66 जो श्लोक इन्होंने बोला है निखिल ने, वो श्लोक भगवत गीता का एंड श्लोक है, ऑलमोस्ट भगवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश कह सकते हैं आप, कि सारे धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। इसीलिए वो पूछ रहे हैं निखिल कि क्या फिर कोई धर्म नहीं रह जाता क्या? भगवान कहते हैं सभी धर्मों का त्याग करो, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। तो भगवान उस श्लोक में कहते हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक भी है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है, भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को त्याग दो। भगवान आखिर में कहते हैं सारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को त्याग दो, मतलब भगवान कहते हैं सारे भौतिक धर्मों को त्याग दो और सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। याद कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब क्या? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, जब कोई किसी की शरण ग्रहण करता है अर्थात वो उसके अधीन हो जाता है, तब उसकी सेवा करता है, तो हम भगवान की सेवा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी छोड़ने के लिए कह रहे हैं भगवान, क्यों? ताकि अगर हम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से अगर चिपके रहेंगे तो इस संसार से हमारा जुड़ाव बना रहेगा। हमने चार वर्ण और चार आश्रमों के बारे में जब बात की, तो आश्रम चौथा आश्रम है संन्यास, और इस जो संन्यास आश्रम में व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को धीरे 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 त्याग दे। और संन्यासी का जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमने क्या सुना था कि दूसरों को ज्ञान देना, लेकिन वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है जब संन्यासी खुद भगवान के बारे में भक्ति करता है और दूसरों को भी भक्ति के बारे में ज्ञान देता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाती है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी वहां से खत्म हो जाती है। ऑक्यूपेशनल अर्थात जो शरीर से संबंधित ज्ञान। तो भगवान कहते हैं शरीर से संबंधित जो भी धर्म है इसको त्याग दो अर्जुन, और मैं जो कह रहा हूँ वो करो। क्या? युद्ध करो। तो युद्ध करना एक दूसरे सेंस में लोगों को ऑक्यूपेशनल ड्यूटी लग सकता है शरीर से संबंधित, पर चूंकि भगवान का आदेश है इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो परम धर्म है। और फिर आप कहेंगे कि हम सब धर्म को कैसे त्याग सकते हैं? सभी धर्मों को हमको हम कब त्याग सकते हैं? भगवान ऐसे नहीं कहते कि माँ बाप छोड़ दो, घर छोड़ दो, करियर छोड़ दो। अर्जुन को भी तो बोला भगवान ने युद्ध करो। भगवान कब बोले कि धनुष बाण रखो, चलो आ जाओ, चलो साथ में जप करते? भगवान ने ऐसा नहीं बोला। उस समय पर क्या रिक्वायरमेंट थी? उस समय पर रिक्वायरमेंट थी कि युद्ध करो, तो भगवान ने उस समय पर कहा युद्ध करो। लेकिन हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है? भगवद्गीता का तात्पर्य पढ़िए, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कलयुग में भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र। अभी हम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है क्या? तो अभी हम भगवान के बारे में चर्चा करें, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। भगवान कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथिन तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं मेरे भक्त सदैव मेरे बारे में चर्चा करने में डूबे रहते हैं, उनको अच्छा लगता है, आनंद लेते हैं, और वो अपने आप एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, खुश होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है भगवान के बारे में चर्चा करना। लेकिन भगवान सब कुछ छोड़ने के लिए क्या छोड़ने के लिए कहते हैं? भगवान कर्म का संन्यास लेने के लिए कभी नहीं कहते, कर्म संन्यास लेने के लिए नहीं कहते। भगवान कहते हैं आसक्तियों को त्यागो, अनर्थों को त्यागो, अपने हृदय में जो बुरे विचार हैं उसको त्यागो। और जब हम अनर्थों को आसक्तियों को, मुख्य रूप से जो है वो आसक्ति है, परिवार से आसक्ति, संपत्ति से आसक्ति, अपने डिग्री से आसक्ति, अपने कंपनी से आसक्ति, पुराने मेमोरीज से आसक्ति, अपनी पुरानी यादों से आसक्ति, मोबाइल से आसक्ति, लैपटॉप से आसक्ति, कपड़ों से आसक्ति, शरीर से आसक्ति, ये सब आसक्तियों को त्यागने के लिए भगवान कहते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। हमने अभी शुरुआत किया है ओवरव्यू भगवद गीता, आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे त्यागें। भगवान सीधा नहीं कहते त्यागो, पहले भगवान कहते हैं ऐड करो। क्या ऐड करना है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का हरिनाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा। इतना सारा चीज अगर आप ऐड करेंगे, अपने आप आपके अंदर से गलत चीज, बेकार चीज भाग जाएगा, बुरे विचार चले जाएंगे।
तो यही प्रश्न भी आगे आया है हिमांशु चतुर्वेदी जी का कि क्या हम विचारों का पूरी तरह से त्याग सकते हैं। प्रश्न है कि इज इट पॉसिबल टू गिव अप डिजायर्स। एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव अप डिजायर्स। हम अपने इच्छाओं को विचारों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि मन का कार्य ही है विचार करते रहना, इच्छा करते रहना। मन जब तक हमारे साथ है, मन के तीन कार्य हैं, थिंकिंग विलिंग फीलिंग। तो सोचना, थिंकिंग विलिंग इच्छा करना, और फीलिंग अनुभव करना, महसूस करना, ये तो इनहेरेंट मन का है, ये करना ही है। लेकिन हम ये जो कलुषित मन है, जो मन बुरे विचारों से ग्रसित है, इस मन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं भगवान के नाम से। तो हम अपने विचार को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बुरे विचार से सद्विचार में, अच्छे विचारों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो मन में खराब काम क्रोध लस्ट, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जो विचार आते हैं, उसके जगह भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के भक्तों में आपसी सहयोग, ये सब चीज हम विचार ला सकते हैं। जीरो नहीं कर सकते, विचारों को जीरो करने की जो प्रक्रिया है उसे शून्यवाद कहते हैं, जो कि भक्ति में उसको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता और जो कि गलत है, क्योंकि ये ऐसा संभव ही नहीं है कि आप शून्य हो जाएं, आप में कोई विचार न रहे। अगर शून्य अगर हम कर भी देते हैं तो भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर हम अपने विचारों को शून्य कर दें। यहाँ तो भक्ति का ये अर्थ है कि आप जो भी चीज आपको मिले उसको भगवान की सेवा में लगा दो। वैराग्य वास्तव में यही है, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। जो भी आपको भगवान, जो भी आपको चीज मिले भगवान की सेवा में लगा, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे ये मोबाइल अभी भगवान की सेवा में लगा है, जूम एप्लीकेशन भगवान की सेवा में लगा है, इंटरनेट भगवान की सेवा में लगा है, ये सब चीज भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो हमारे पास जो भी फैसिलिटी है हम सब भगवान की सेवा में लगा है, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो ये बेनिफिट है भक्ति में। और हम यहाँ पे विचारों को छोड़ते नहीं है, हम विचारों को जोड़ते हैं और साफ करते हैं, मन को साफ करते हैं। लोग बोलते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया, अब गंदा है तो वॉश करना पड़ेगा, बहुत गंदा है ब्रेन, कचरे से भरा हुआ है तो वॉशिंग करना पड़ेगा डिटर्जेंट लगा के। तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश का डबल मीनिंग है। अब आप जो समझे, भगवान के बारे में हम चर्चा करके ब्रेन को एक्चुअली में वॉश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। बहुत गंदा है, बहुत कचरा भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे निकाल रहे हैं, प्रयास कर। हरे कृष्णा। तो हमने जानबूझकर आज से सेशन थोड़ा जल्दी चालू किया है, एक घंटा पहले, ताकि आप लोग को भी प्रश्न पूछने का समय मिले और हम क्लास भी जल्दी इस तरह से खत्म कर सकें। अगर हमारा थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी जाए तो हम 8:15, 8:20 तक हम खत्म कर दें। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग का ये प्रश्न उत्तर। अगर कोई और प्रश्न हो आप लोग बिल्कुल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग के प्रश्न। और हम आप लोग जो रिस्पॉन्स शीट आता है या फीडबैक फॉर्म आता है या फिर जो आपके पास जो ग्रुप है जिसमें एडमिन है, तो आप उनको पर्सनली बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर सेशन सेपरेटली चाहिए तो हम एक क्लास स्किप करके सेपरेटली क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसके बारे में आपको 1-2 दिन पहले से बता दिया जाएगा ताकि आप अपने क्वेश्चन को पूरी तरह से तैयार करें और हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जो उत्तर मुझे नहीं आएंगे मैं आपको साफ साफ बता दूंगा, मुझे नहीं आता तो मैं आपको ढूंढ कर इसका आंसर दूंगा, पर डेफिनेटली जो मुझे पता है मैं आपको कन्वे करने का, आप लोगों को बताने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने फ्रेंड्स, अपने जो और कोई शुभचिंतक है उनको भी आप ऐड कर सकते हैं इस ग्रुप में, बता सकते हैं इस तरह के क्लासेस के बारे में। और ये ओवरव्यू हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें जो सस्पेंस है, जो आंसर्स है, जो फिलोसफी है, वो धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी अगर लोग जुड़ जाएं आगे के लिए तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। बीच में से अगर कोई जुड़ेगा तो हो सकता है उसको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, है ना। हमने और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चर्चा किया है, तो आज जो पहली बार जो जुड़ रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा अजीब लगता है। सो प्रयास कीजिए, अगर आप रेगुलरली अटेंड करें आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा बेसिकली। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।